वेलकम टू एड फोलियो। हम आईटीआर 1 में डेटा फीड करेंगे ऑफलाइन, और जो हम केस ले रहे हैं उस असेसी का नाम है कमल राम। फादर्स नेम ब्रिज लाल राम। पेन नंबर दे रखा है, डेट ऑफ बर्थ रखी है, आधार नंबर दिया हुआ है, और ये सब हमारे प्रीफिल डेटा में ऑलरेडी आ चुका है। एड्रेस 25 साक्षर अपार्टमेंट्स, A3 पश्चिम बिहार। मोबाइल नंबर रखा है, ईमेल रखा है, और रेजिडेंट हिंदुस्तान में रहे पूरा साल। रिटर्न फाइल की जा रही है 10th फरवरी 2022 को। लास्ट डेट निकल चुकी है जो थी 31st December 2021। एम्प्लायर का नाम आई साक्षर लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट। बैंक अकाउंट एक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। अकाउंट नंबर रखा है, IFSC कोड रखा है, और ये सेविंग बैंक अकाउंट है, और इसमें ही इनको रिफंड के लिए हम इसको ऑप्ट करेंगे। सैलरी 75,000 रुपीज पर मंथ है, 9 लाख का हो गया। HRA 30% ऑफ बेसिक सैलरी है, 2,70,000 हो गया पूरे साल का। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 5,000 रुपए पर मंथ, 60,000। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इनके 3 बच्चे हैं, 1,000 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। इनका एक मकान जो कि माधीपुर JJ कॉलोनी में है, और वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्युनिसिपल टैक्स पेड किया गया, 3,000 रुपए गया, और इस मकान के लिए जो लोन ले रखा है उसकी EMI जाती है 25,000 रुपीज पर मंथ, और इसमें जो इंटरेस्ट है पूरे साल का वो 2,20,000 है। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 11,200 आया है पूरे साल का। PPF अकाउंट में इंटरेस्ट मिला ऑन 31st March 2021 1,28,500। शेयर्स हैं और डिविडेंड आया है 1,500 रुपया, और ये मिला है 15th March 2021 को। हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट पे हुआ पूरे साल में 80,000 हुआ। PPF में डिपॉजिट करवाया 72,000। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम SSC का और वाइफ का 26,000, और एम्प्लॉयर टैक्स काट लिया 85,000। जितना रिमेनिंग टैक्स बचेगा, क्योंकि इसमें लेट फीस लगेगी, वो पे कर देंगे हम 10th फरवरी को। हम JSON यूटिलिटी पर हैं, जो हमने डाउनलोड कर रखी है अपने डेस्कटॉप पर। फाइल रिटर्न्स, इंपोर्ट प्रीफिल डेटा, कंटिन्यू। हमने पैन नंबर लिख दिया, असेसमेंट ईयर बाय डिफॉल्ट है, प्रोसीड, अटैच फाइल, और ये हमारे डेस्कटॉप पर है जो हमने डाउनलोड की थी इनके अकाउंट में जाके। ओपन, इंपोर्टेड प्रीफिल JSON फाइल सक्सेसफुली, प्रोसीड। पैन नंबर आ गया, नेम ऑफ टैक्स पेयर, असेसमेंट ईयर, इंपोर्टेड डेट 10th February 2022, फाइल रिटर्न, इंडिविजुअल, ITR 1, प्रोसीड विद ITR 1, लेट अस गेट स्टार्टेड। हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है, कंटिन्यू। वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल्स इन ई सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। ओके, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी। हमने इसको क्लिक किया, हम इस प्रोफाइल की डिटेल्स को एडिट नहीं कर सकते। कमल फर्स्ट नेम में है, लास्ट नेम राम है, पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, और आधार नंबर है। कॉन्टैक्ट एडिट, और ये मोबाइल नंबर, ईमेल, ये हमें प्रीफर्ड से ऑटोमेटिकली आया हुआ है। 91 इंडिया पिन कोड, वेस्ट दिल्ली, दिल्ली, फ्लैट नंबर 25 साक्षर अपार्टमेंट्स, A3 पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार से। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट नहीं है, पीएसयू नहीं है, ये अदर्स में जाएगा। हमारी रिटर्न की लास्ट डेट जा चुकी है, इसलिए अब हम करेंगे 139 ब्रैकेट में 4 रिटर्न ब्लेटेड है। हम न्यू रिजीम ऑप्ट नहीं कर सकते। लास्ट डेट गुजर जाने के बाद, ड्यू डेट गुजर जाने के बाद आप न्यू रिजीम को ऑप्ट नहीं कर सकते। बैंक डिटेल्स एड अनदर। हमने आईएफएससी कोड लिख दिया, नाम अपने आप आ गया। अकाउंट नंबर 123456789012, दिस इज द आई। इसको क्लिक कर दिया एड और इसको कर दिया कंफर्म। अब ग्रॉस टोटल इनकम, हमें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का 2400 रुपीस मिलेगा, 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड। ये नो है, ये यस है। 2400 ओल्ड रिजीम के अंदर 100 रुपया पर मंथ पर चाइल्ड, सब्जेक्ट मैक्सिमम ऑफ टू चिल्ड्रन 2400 रुपीस। ये अपने मकान में रहते हैं, इसलिए एचआरए का इनको जो हाउस रेंट मिला अलाउंस, उसमें कोई डिडक्शंस नहीं मिलेगी। नो लीव ट्रेवल का नो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्प्शन फ्रॉम सेल इनकम? आवर आंसर इज नो। ये आपको चीजें फॉर्म 16 से भी मिल जाएंगे। कंटिन्यू ग्रॉस, यहां करेंगे हम एडिट। सैलरी यहां पर बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस प्लस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, उन सब का टोटल। हम अपने टैक्स कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सैलरी प्लस अलाउंसेस का टोटल 12,66,000, 2400 का हो जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एग्जम्प्ट वाला अमाउंट, और स्टैंडर्ड हमें मिलेगी 50,000 की। हमारा ओल्ड रिजीम के अंदर जो सैलरी आएगी चार्जेबल 12,13,600। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस मैक्सिमम 2,00,000 अलाउड है, वो आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो इंटरेस्ट मिला 11,200, डिविडेंड मिला अदर सोर्सेज में 12,700। पीपीएफ का इंटरेस्ट पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारी ग्रॉस इनकम आ जाएगी 10,26,300। एटीसी के अंदर एचबीए 80,000, 3,00,000 माइनस 2,20,000, पीपीएफ 72,000, 1,52,000 हो गया, लेकिन मैक्सिमम एटीसी की लिमिट है 1,50,000। एटीडी में हमने 26,000 का पेमेंट किया, लेकिन मैक्सिमम लिमिट फॉर नॉन सीनियर सिटीजन इट इज 25,000। हमारा सेविंग बैंक इंटरेस्ट 11,200, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलती है एटीटीडी के अंदर वो मिलती है 10,000। डिडक्शन का टोटल आएगा हमारा 1,85,000। टैक्स इनकम हो गई हमारी ओल्ड रिजीम में 8,41,300। इस पर जो टैक्स निकला 80,760, 2,50,000 तक फ्री, 2,50,000 से 5,00,000 5%, 12,500, और 5,00,000 से ऊपर जो 3,41,300 है उसका 20% अमाउंट हो जाता है 80,760। 4% का हेल्थ एजुकेशन सर्च लगेगा, सरचार्ज नहीं लगेगा, 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, अमाउंट हो जाता है 83,990। एम्प्लॉयर ने काट लिया 85,000, लेकिन 5,000 रुपए की लेट फीस लग जाएगी, क्योंकि रिटर्न की ड्यू डेट थी 31 दिसंबर 2021, और आज है 10 फरवरी 2022। 5,000 की लेट फीस लगने के बाद अमाउंट हो जाता है 88,990। 85 ऑलरेडी हमने टीडीएस हमारा कटा हुआ है, एम्प्लॉयर के द्वारा हमें 3,990 का पेमेंट करना होगा, और हमने पेमेंट कर दिया यहां पर 4,000। और यदि हम नया रिजीम लेते, अब तो ले ही नहीं सकते क्योंकि आज 10 फरवरी
2022 है, तो यदि हम 31 दिसंबर 2021 तक कर लेते तो यहां पर अमाउंट आता 12,66,000। यहां पर ये अलाउंस नहीं मिलता, ये स्टैंडर्ड नहीं मिलती, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट नहीं मिलता, अदर सोर्सेस का अमाउंट सेम रहता, हमारी जीटीआई बन जाती 12,78,700। हमें कोई डिडक्शंस नहीं मिलती नए टैक्स रेट रिसीव में और हमारा टैक्स बन जाता 1,32,175। टैक्स रेट्स ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ओल्ड रिसीव के अंदर 2.5 लाख, नए रिसीव में भी 2.5 लाख है, अप टू 5 लाख 5%, 5 से 7.5% 10%, 7.5 लाख से 10 लाख 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%। और इसलिए यहां पर टैक्स हमने सब जगह फॉर्म लगाए हुए हैं, अमाउंट आता 1,32,170 और हेल्थ एजुकेशन सस्तो लगना ही था 137,462। हमें फायदा था ओल्ड रिजीम के अंदर, हम 31 दिसंबर तक भी यदि हम रिटर्न फाइल करते तो नए टैक्स रेट रिजीम को चूज नहीं करते। हमने सारी लिख दी 12,66,000, ये 2400 अपने आप आ गया है, 50,000 स्टैंडर्ड अपने आप निकाल ली सिस्टम ने और अमाउंट आ गया चार्जेबल 12,13,600 से। हाउस प्रॉपर्टी, इसको करना है एडिट डिटेल्स और एड डिटेल्स, यहां पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और यहां पर म्युनिसिपल टैक्स का आपको कुछ मिलेगा नहीं और यहां पर है मैक्सिमम 2 लाख, यहां पर कहता है द अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख, हमने लिख दिया 2 लाख। एट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, सेविंग बैंक अकाउंट का हमारा इंटरेस्ट है यस, अमाउंट है 11,200, एफडी का नहीं है, फैमिली पेंशन नहीं है, इनकम टैक्स का रिफंड का नहीं है, एनी अदर नहीं है, डिविडेंड है, अमाउंट है 1,500 रुपया और मिला था हमें 15 मार्च 2021 को, यहां पर आएगा 1500 कंटिन्यू और ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 10,26,300। एग्जम्प्ट इनकम यस, हमारा पीपीएफ का इंटरेस्ट है, अदर्स में लिखेंगे एनी अदर में, पीपीएफ इंटरेस्ट 128,500 एट कंफर्म और ये शीट कंफर्म्ड हो गई। टोटल डिडक्शंस, डोनेशंस नहीं है, रूरल डेवलपमेंट का नहीं है, ATGG नहीं है, ATC है और अमाउंट है पीपीएफ का 72 और HBA का 80,000, टोटल 1,52,000 मिलेगा, 1,50,000। ATCC2 नहीं है, ATD है, हमें ATD में भरना होगा शेड्यूल, ATA नहीं है, एनी अदर में यस है और ये हमारा ATTTA अमाउंट 11,200 मिलेगा हमें, 11,200 मिलेगा हमें मैक्सिमम 10,000। कंटिन्यू, ATC के अंदर 152 मिलेगा 150, ATD की एडिट करेंगे, नॉट क्लेमिंग फॉर सफलमी, हम क्लेम कर रहे हैं और हम सीनियर सिटीजन नहीं है एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स, नो, अमाउंट पे किया 26,000 मिलेगा 25,000 से, ATTTA में मिला 10,000, बाकी हमारा डोनेशंस एटसेट्रा नहीं है, 185 डिडक्शंस कंफर्म, ये भी कंफर्म हो गया, टैक्स पेड, वेरीफाई योर टैक्स पेड डिटेल्स, सैलरी पर कटा 85,000, शो डिटेल्स, एड अनदर 10 नंबर, टर्म लिख दिया DELI 16603G और नेम ऑफ वेक्टर एम्प्लॉयर का नाम आई साक्षर लर्निंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड,
income chargeable under the head salary after standard deductions, 12,13,600. Total taxated 85,000, जो कि 85,000 TDS काटा गया by the employer at confirm. Total tax liability, ये computation of income, gross total income 10,26,300, total deductions 1,85,000, taxable income, जिस पर हमने शुरू का ही लेक्चर्स में बताया था कि कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है, यही टैक्सेबल इनकम है. कैलकुलेशंस देखिए, 2,50,000 तक फ्री है, 2,50,000 से 5,00,000 5% 12,500, 5,00,000 से 10,00,000 20% 68,260, टोटल हो गया 80,760. हेल्थ एजुकेशन सेस 4% इस 80,760 पर अमाउंट हो जाता है 83,990. 234A का इंटरेस्ट नहीं लगेगा. रीजन, टैक्स जो हमें पे करना है वो अमाउंट नहीं है. हमारा अमाउंट 83,990 है लेकिन एम्प्लायर ने काट लिया 85,000. यदि ये कम कटा होता तो जो अमाउंट बचता बैलेंस वाला, उस पर हमें इंटरेस्ट देना होता 1% पर मंथ के हिसाब से, और वो लगता जनवरी का और फरवरी का. जी हाँ, 1% के हिसाब से लेट फीस लग गई 5,000, अमाउंट हो जाता है 88,990. 5,000 का लेट फीस पड़ रहा है, इंटरेस्ट 234ABC का जीरो है. कंफर्म प्रोसीड, हमें अमाउंट पे करना है 3,990, पे नाउ और पे लेटर. यदि हम पे नाउ कर देते हैं तो ये हमें NSDL की वेबसाइट पर ले जाता है और हमें पेमेंट करने के लिए कहेगा. कंटिन्यू, यहां पर अदगन कंपनीज ऑटोमेटिकली आ गया, सेल्फ असेसमेंट आ गया, हमने कहा नेट बैंकिंग और हमने लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. परमानेंट अकाउंट नंबर अपने आप आ जाता है, असेसमेंट अपने आप आ गया, एड्रेस अपने आप आ गया और अमाउंट आ जाता है 3,990. हम इसको एडिट कर सकते हैं, हमने कर दिया 4,000 और ये कैप्चा कोड, इसको किया प्रोसीड. टैक्स एप्लीकेबल 0021 अदर देन कंपनीज, टाइप ऑफ पेमेंट सेल्फ असेसमेंट का है 300, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, परमानेंट अकाउंट नंबर आ गया, नाम मास्ट है, असेसमेंट ईयर 21-22, ब्लैंक इसलिए कर रहा है क्योंकि यहां पर गलती ना हो जाए आपसे, एड्रेस अपने आप इसने देख लिया और अमाउंट 4,000. कंसेंट इज प्रोवाइडेड टू NSDL, हम इसको एग्री कर दें, सबमिट टू द बैंक और ये हम SBI की वेबसाइट पर पहुंच गए. हमने 4,000 का टैक्स का पेमेंट कर दिया. हमें यहां पर लिखना होगा एड अनादर BSR कोड 0006623, सीरियल नंबर ऑफ चलान 0005, डेट 10th February, अमाउंट 4,000, एड कंफर्म प्रोसीड. ये हमारा 89 आ गया, हमारी ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डक्शंस, टोटल टैक्सेबल इनकम और रिफंड है हमारा 10,010 रुपया, 10 रुपीज पर व्यू रिटर्न प्लेस. आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने क्लिक कर दिया, कमल राम फादर्स नेम अपने आप आ गया, सेल्फ पैन नंबर, प्रोसीड टू पर व्यू और यहां से हम इस रिटर्न को डाउनलोड करना चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं. पैन नंबर आ गया, नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल बिलेटेड है 139(4), नेचर एम्प्लॉयमेंट अदर्स, नया रिज्यूम नो, ग्रॉस सैलरी आ गई 12,66,000, 2,400 अलाउंस एग्जम्प्ट वाले,
अमाउंट आ गया 1263,600, डिडक्शंस 50,000 और इनकम चार्ज वाला अंडर द हेड सैलरी 12,13,600, 2,00,000 का इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, अदर सोर्सेस में 12,700, 1,500 रुपया डिविडेंड का और 11,200 रुपया सेविंग बैंक इंटरेस्ट का। टैक्सेबल इनकम बाद में आएगी, ये ग्रॉस टोटल इनकम 10,26,300, एटीसी 1,52,000 मिलेगा हमें 1,50,000, एटीडी हमारा 26,000 था मिलेगा हमें 25, एटीटीए 11,200 मिलेगा 10, टोटल डिडक्शन हमें मिलेंगी 1,85,000, हमारी टैक्सेबल इनकम 8,41,300, जिस पर टैक्स निकला 80,760, 1,28,500 हमारा टैक्स फ्री इंटरेस्ट पीपीएफ वाला, हेल्थ एजुकेशन 3,230, लेट फीस लग गई 5,000 रुपया और हमारी टोटल टैक्स फीस इंटरेस्ट हो गया 88,990, 89 का हमारा टैक्स पेड हो गया, 85 हमारे एम्प्लॉयर ने काटा था, 4,000 हमने जमा करवाया और वो करवाया आज ही 10th February 2022 को, रिफंड 10 रुपीज, वो रिफंड आएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हमने अकाउंट सिलेक्ट किया हुआ है फॉर फंड के लिए। एटीडी 26 हमारा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम मिला हमें 25 बिकॉज डेट इज द अपर लिमिट, हमने कोई डोनेशन नहीं दिया, ये हमने जो 4,000 रुपए जमा करवाया आज ही 10th February 2022 को चला नंबर 000504,000 और ये हमारा टीडीएस का शेड्यूल जिसमें हमारा टैक्स काटा गया बाय द एम्प्लॉयर 85,000 ऑन माय चार्जेबल सैलरी 12,13,600 और ये हमारा वेरिफिकेशन, आई कमल राम सन ऑफ ब्रजलाल राम, यहां पर फीमेल के केस में भी फादर्स नेम होगा, पैन नंबर आ गया 10th February 2022, हमने किया अब इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन, हमारी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गई, यहां से हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देते हैं तो हमें ये इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ले जाएगा जिससे हम इस जेसन को अपलोड कर देंगे, डाउनलोड जेसन, ये हमारी जेसन डाउनलोड हो गई, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, हम वही अपने फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स पर पहुंच जाते हैं, ये हमारी जेसन फाइल फाइनल वाली जो कि अपलोड होगी यदि हम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, ये है फाइनल जेसन, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ITR 2। थैंक यू वेरी मच।